जबकि नूर तुम्हारे को गफूर रहीम, अल्लाह गुनाहों को माफ भी कर देगा, अल्लाह मेहरबानी भी करेगा। ये इनाम उसी को मिलेगा इस तरह नबी का एहतराम आना पड़ेगा। आइए जरा मिसाल देखे, देखो नबी को दावा सब करने मोहब्बत करने का, मैंने पहले कहा लव और अल्लाह कौन है, दुनिया ने लाइक कलर समझ दिया। नबी हमसे मोहब्बत करते हैं, आपका जान दे देंगे, जान छिड़कते हैं। नबी अगर आपका पसीना निकल गया किसी के खून बहा देंगे जी, दावा तो कर लिया, और नबी का जब खून बहा और
काफिला हमारे काफिले में यमन के लोगों के साथ में था, उनके साथ था, हरे पले गफरा में था, जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, अंधेरी रात, डाकुओं का हमला, हम वो डाकुओं का हमला क्या कर रहे, उसने मुकाबला किया, हम मुकाबला करके तमाम डाकुओं को जेल कर दिया, मार कर दिया, शिकायत था रहे, यहाँ Allah 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 Allah
जाता है भाई मदीना
जिसे सारा परिवार रसूल से मिलता था, लोग लबास सजा हुआ पहनते थे, कानों में गंदगी होती थी, लेकिन आज जब साल मिट्टी का बैस जब आया है, शहर में आया है, तो क्या देखता है कि मदीने के लबास में कोई सजावट नहीं है, लबास में सलवट है, लबासों में शीतन है, कानों में गंदगी नहीं है, सलाम किया जवाब मिला, जवाब में लबखंद नहीं है, जवाब में तबस्सुम नहीं है, पर जवाब दे दिया, चेहरा पर जो मुद्दा है, सोच रहा है कि मदीना वाले कैसे नहीं थे, अगले दुनिया कैसे नहीं था, क्या हो गया मदीना वालों को, बहुत परेशान, जिसने पूछा जो माजरा हो गया है, क्या हो गया, जवाब भी नहीं मिलता, उसके पूछते किसी पूछा कि क्या बात है, हम तो अक्सर मदीने आते रहते हैं, ये तब्दीली क्यों आ गई, और तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ, कहा मदीना और रहने वालों में थी, उसके आस पास 18 करीजे थी, 18
बीवी खिदमत कर रही थी और कलीजे 18 कलीजे बीवी को तनाव से ले आई, ऊंट के पेस पास ले आई। जब ऊंट करीब आई अकबर को बुलाया हुसैन ने, अकबर करीब आओ, आसिफ करीब आओ, अब्बास करीब आओ, आओ करीब आओ, आके मेरी बहन के शाने को संभालो। ए कासिम, अब अकबर ने शाना संभाला, अब्बास झुक गए, कासिम ने जैनब की बूटियों को संभाला, हुसैन ने सर को संभाला, जनाब जैनब को इस तमाम से ऊंट। आज ये जहाज रजब है, इस तरह इस तरह कराम का जहाज किया, और यही जैनब है जो मोहर्रम की दूसरी तारीख को सरसभी लेकर बना पर पहुंची है। बहुत कहती है पिज्जा पिज्जा, चलो मेरे भाई को बुला लाना। हुसैन आए, आए तो बहन तुमने मुझे याद किया है, तो आओ भैया कल आपने मुझे मदीने में इस चांद से ऊंट पर बैठाना था, आज मैं ऊंट सक रही हूँ, अभी सानिया हुआ। क्या हुआ? तो जैसे ही मैंने इस सरदेश को कदम रखा है कि गुबार उड़ा है, इस गुबार से मेरे जैसे कुछ आबूद हो गए हैं, तो आगे सर को पता कौन जमीन है, ये जमीन जमीन कर बोला है हुसैन कर बोला के लिए बैठा हुआ है, ये जमीन मेरे लिए बनी है, ऐसे नाम सब करो, यही तुम्हें रहना है, यही मुझे भी कयाम करना है, ये जमीन हमारे लिए बनी है। हुसैन ठहरे, बीवियां ठहरी, हुसैन ने बुलाया, किसकी है? पता था जमीन मेरे सब वालों की है, बुलाई जमीन तुम्हारी है, क्या मारा जमीन तो आपकी है, अरे फिर भी जमीन तुम्हारी है, हम जमीन खरीदना चाहते हैं। तो सर ये 7,000 दिरहम में मौला ने जमीन Thank you.
क्या हुआ
थके तो मैं गरीब हूँ, साल भर नमक से रोटी खाऊंगा, फिर भी करबला जरूर जाऊंगा। वो दिन कभी तो आएगा, वो करबला बुलाएगा हुसैन अपने आशिकों का, दिल नहीं है दौड़ता। सबके सदा